act as if you are rich, act as if you are successful. हमें सक्सेसफुल होने से पहले हमें इस एक्टिंग करना है कि हम सक्सेसफुल है ऑलरेडी, यू नो, यही सक्सेसफुल का राज है. आपने देखा रहेगा ताजमहल दो बार बना था, एक उन्होंने जब प्लान किया उनके माइंड में था, सपने में था कि इस तरह का मुझे करना है, राइट, दैट इज एक बार. उसके बाद रियल में बना और एक दूसरी बार. सक्सेस ऐसी बनती है, ओके, चलते चलते ऐसा नहीं बनता है. आपने थिंक एंड रिच का, थिंक एंड ग्रो रिच का बुक पढ़ रखा, नेपोलियन हिल का, उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें नहीं जाता हूँ. लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच बोला है, सेव एंड ग्रो रिच, वर्क एंड ग्रो रिच, ऐसा कुछ नहीं बोला है, थिंक एंड ग्रो रिच. आपको वो सपना, वो साकार, सब चीज़ आपको ऐसा सोचना चाहिए. आप सोचने से आप रिच बन सकते हो, समझ. आपके पास है ही नहीं है तो आपको सेव उस तरह का सोचना पड़, सोचना है, राइट, एक्ट. इसके रिलेटेड आज कुछ मैं आपको बताता हूँ. सेविंग करके आप रिच नहीं बन सकते हो, बैंक में पैसा डाल डाल के रिच नहीं कर सकते, राइट. हाँ, वो भी हमारा एक पार्ट होना चाहिए, 10%, वो मैं उसमें बाद में आता हूँ. लेकिन क्रेडिट कार्ड बिल काट के, ये काट के, वो काट के, ऐसा सेविंग नहीं हो सकता है. हाँ, मेरे बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये उनके लिए है जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस करते हैं, या फिर काम के अलावा और भी बहुत सारे अनसर्टेन अमाउंट का इनकम करते हैं, उनके लिए है. जो पगार में काम करते हैं, पगार से घर चलता है, उनके लिए नहीं है. प्लीज़, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो एंटरप्रेन्योर है, जो अपना दिल से जीना चाहते हैं, जो पैसा चाहिए कमाना चाहते हैं, ये उनके लिए है. प्लीज़ एम्प्लॉइज, 9 to 5 जॉब वर्कर, प्लीज़ आप इसको देखो मत. हाँ, आपको बिजनेस करना है, रिच बनना है, आपके लिए वीडियो, राइट, क्योंकि उनको तो सेविंग करना ही पड़ेगा, उनको तो जो भी सेटिंग है करना पड़ेगा, क्योंकि आता है उतना ही कर्जा. अभी बिल्कुल करोगे तो आप लफड़े में पड़ेगे. मेरा नाम मत लेना भाई, ऐसा कर्जा मत कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर, राइट, जो जिसका इनकम हर बार बढ़ा सकते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ. आपका चाय पीने के लिए लगभग स्टारबक्स में जाके चाय पीना चाहिए, हाँ, सिर्फ 200 रुपया प्लस टैक्स. अगर आप 200 रुपया चाय बचा के आप रिच बनना चाहते हो, आप रिच नहीं बन सकते. हाँ, रिच बन सकते हो, जो मिलीनियर बिलीनियर ना उसका बाजू वाला बन सकता है, वो नहीं बन सकते आप, राइट. सो ये सब आपका थॉट प्रोसेस है, दैट्स ओके. एम्प्लॉय के लिए नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए जो ये करते करते बड़ा नहीं बन सकते हैं. सेकेंड, कभी भी बिजनेस में आपको एक चीज़ समझना है कि यू हैव टू बी वेरी जनरस लोगों को हेल्प करने में, या बिंदास पैसा देने में. मैंने लास्ट वीडियो में बताया रहेगा, राइट, आपको रिच होना है तो आपको रिच के जैसे पेमेंट करना पड़ेगा पहले, राइट. किसी किसी का तो हो सकता है, किसी किसी का एक्सेस है, मतलब वो निकाल के उतना पैसा पेमेंट कर सकते हैं उस तरह का कोर्स करने में, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि आपका पूरा जिंदगी वही अटक जाता है. सबको फ्री में चाहिए ना, या सबको सस्ते में चाहिए. सस्ते में 10-20 हज़ार कमाने का सीखेगा तो चलेगा, नहीं नहीं, कमाना तो दो लाख 3 लाख कमाने का सीखना है, लेकिन पेमेंट 5,000-10,000 करो, ऐसा कैसे होगा, राइट. तो कई लोग तो ये सोच की वजह से उनका जिंदगी उधर ही अटक जाता है, या तो सोचते सोचते और कई साल निकल जाता है. जिस तरह का जिंदगी जी रहे थे, आगे भी वैसे जिंदगी जाएंगे, क्योंकि कोई भी कोर्स करने में, सीखने में उतना ताकत नहीं है उनके पास, उस तरह का डिसीजन नहीं लेते हैं. ओके, ठीक है, जिसके पास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ. लेकिन कई लोग कहीं ना कहीं रास्ता करके, अभी मेरा कोर्स सीखने का, मैंने क्रेडिट कार्ड, ज्वेलरी, किधर किधर से लोन निकाल के मैं किया, क्योंकि मुझे इस तरह की जिंदगी जीना नहीं है, मुझे नेक्स्ट में जाना है, राइट. सिंपल, आपको रिच होने के लिए आपको थोड़ा जेनरस होना पड़ेगा, फ्री होना पड़ेगा, पैसा फेंकने में, सीखने में, खर्चा करने में, तभी आपके पास पैसा आएगा. हर चीज़ पैसा से नहीं होता है. आप अभी जो आगे चलता है वो है रिलेशनशिप बैंक. ओके, इस चीज़ को भी आपको मेंटेन करना है. व्हाट इज दिस रिलेशनशिप बैंक? कोई आपके पास डील के लिए आता है, उसको पकड़ के निचोड़ के पूरा पानी आपने ले लिया, बोलता है कि इतना सस्ते में क्या मालूम है, ऐसा कोई सस्ते में मिलता नहीं है, मैंने उसको ऐसा निचोड़ के किया, निचोड़ के किया. ओके भाई, निचोड़ गया, उसके बाद वो आएगा दोबारा आपके पास काम करने के लिए? नहीं आएगा, भाग जाएगा आपके पास.
तो आप जनरली आप किसी को सपोर्ट करते हो, आप जनरली आप ज्यादा पैसे देके किसी को भी काम कराते हैं, लोग आपसे काम करने के लिए तैयार रहेंगे। घर के घर पे प्लम्बर है, घर के कुछ काम हो गया है, कुछ मियाँ नहीं है, आप उनको फ़ोन करके बोलते हो वाले साहब भाई यार कितना रुपया, तो एक बार मेरा पानी का लीकेज बहुत हो रहा था टैंक का, तो उन्होंने उसको फ़ोन किया आया कितना, बोलता 50 रुपये। बोला क्या 50 रुपया? अरे मैं कुछ सोचा यार 500 रुपया 600 रुपये ले, 50 रुपये रहता था। बोला ठीक है 100 रुपया लो। बोले ये क्या, नहीं नहीं रखो यार रखो, नेक्स्ट टाइम मैं कॉल करेगा तो कैसे आएगा ये। यस, सो ये रिलेशनशिप बैंक होता है। ये सब पहले से एक्टिंग करो कि आपके पास पैसा है, आप लोगों को ऐसा ऐसा हेल्प कर सकते हो, और एक रिलेशनशिप बैंक आप बना रहे हो, इसके ऊपर आपको कोशिश करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सेम चीज़ आपको किसी को हेल्प करते हो, आपको कुछ पेमेंट करते हो, उनको भी आप थोड़ा कम करो, ठीक है। जो भी पेमेंट है उसे थोड़ा कम ले लो, वो खुश हो जाएंगे, अरे सर इन्होंने मेरे पास थोड़ा कम पेमेंट लिया था, यू नो एडजस्टमेंट किया। मेरा भी फीस का मैं भी पूरा नहीं लेता हूँ, अभी जिधर है ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ। हाँ बाद में आप इससे आप कमा लोगे, उसके बाद आप पेमेंट करिएगा, ऐसा मैं बताता हूँ उनको, राइट। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि तभी भी लोग आपको पसंद करेंगे और आपके साथ काम करने के लिए मन होगा, ऐसा रहना है, ठीक है, तभी लोग आपके पास आएंगे, नहीं तो अदरवाइज सेकेंड टाइम कोई आपके पास आएगा नहीं, भाग जाएगा, उसके ऊपर ध्यान करना है, ठीक है। और इससे आपका जो रेगुलर रिपीटेड इनकम है ना वो होगा, ओके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, कहीं पे भी सेविंग करके बड़ा आदमी नहीं बन सकता है, इसका मतलब यही नहीं कि आप फूलिश की तरफ खर्चा कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क खर्चा होना चाहिए। और जो भी कुछ लोग के पास पैसा तो आता है लेकिन कंजूस गिरी ऐसा करते हैं, आप कई लोगों को देखे होंगे, राइट, होटल में कभी बिल नहीं निकलता है, पैसा कभी बाहर नहीं निकलता है, सब लोग पार्टी मनाते तो ये ऐसी पानी से काम चला लेंगे, है ना, और इतना मतलब होते हुए भी कभी एंजॉयमेंट करते, जिंदगी भर ऐसे जीके ख़त्म हो जाता है, पैसा अपने बैंक में पड़ा रहेगा, ये ऐसे जीके ख़त्म करते हैं, इनका भी कोई ठिकाना नहीं है, राइट। और इनका चेहरा देखने का हमेशा ऐसा उतरा रहता है, आपको देखने का भी मन लेता है, इन ऐसे लोगों से आप कभी पाला मत पड़ो। कोई इतना कंजूस मरड़ ये बोलता है, कोई है लाख लाख रुपया कमाता है, बोलता है 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपये, नो वे, पैसा तो मेरे हाथ से निकलेगा ही नहीं। हाँ लेकिन पैसा चाहिए, 2-2 लाख 3-3 लाख कमाने का वो चाहिए, लेकिन पैसा मुझे देना नहीं है, राइट। सो सिंपल, ऐसे लोगों से आपको दूर भागना है, इनसे लोग से आपको कभी नहीं रहना है, ठीक है। ये ऐसे लोग से जुड़े हुए, ऐसे लोग से काम करते आप कभी रिच नहीं बन सकते हो, उनके जैसे आप भी पुअर बन जाओ। जोसेफ कंजूस कुरी है, पैसा फेंके काम करने, मुझे गुजरात बहुत अच्छा लगता है ज़्यादातर स्टेट से, प्लीज़ इसको गलत मत लीजिएगा, वहाँ पे आप बेल भी खाओ बिंदास, इतना यहाँ पे जो रेट नहीं है उतना रेट है, बेल है आपको रात को कोई भी, यू नो धाबेली बेली जो भी आइटम है, ट्रेन में जाने के टाइम उधर इधर में पूरा गुजरात करीब 200 सिटीज़ के आसपास मैं ट्रैवल किया वहाँ पर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो दिल से पैसा देते हैं और पैसा लेते भी हैं, ओके। वो धंधा करेगा ज़्यादा पगार ज़्यादा प्राइस से बेचेगा और लेने वाले भी खुशी खुशी देते हैं। मैं तो पहले उस बैकग्राउंड में नहीं था, मुझे अजीब से लगता है क्या कर दे लोग यार, इतना रुपया देने वाले भी खुश लेने वाले भी खुश, बोला ये अच्छा है, राइट। सो मैं उतना ही जानता हूँ, बाकी ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन सिंपल। तो चीप होके होते आप कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकते हो, राइट। और दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी पैसे के पीछे भाग भाग के आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तभी आएगा जब आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे बैंक वाला लोन देते हैं, बैंक वाला लोन कब देंगे, जब आपको पैसे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रोड पे है जिसके पास पैसे की सख्त जरूरत है, पैसा चाहिए उसको, उसको बैंक वाला बोलो पैसा देगा क्या, लोन देगा, नहीं देगा। उसके पास प्रॉपर्टी होगा, उसके पास या फिर उस तरह का कमाई होगा, सब कुछ होगा, इसको कभी पैसे की टिकट नहीं है, लेकिन वो दे सकता है, वही लोग अपना बैंक लोन देते हैं। बिल्कुल पैसे भी ऐसे ही उनके पास आता है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। क्या करना है इसके लिए, पैसे में हमेशा पड़ा बैंक में पैसा पड़ा रहना चाहिए, राइट। मैं ये कॉन्फिडेंस को इतना लेवल तक करता हूँ, मुझे पैसा नहीं है बैंक में तो मैं लोन से पैसा लेता हूँ, क्रेडिट कार्ड लोन इधर लोन से पैसा लेके बैंक में डालता हूँ, सिर्फ देखने के लिए यार पैसा है बैंक में, राइट। उसका एक कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, क्योंकि जब आपके पास पैसा आएगा
तब आएगा जब आप पैसा के लिए नहीं ढूंढते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पैसा आपके पास तब आएगा जब आप पैसे के पीछे नहीं लगा रहते हो, नहीं लगते हो, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती ना, पैसा फटाफट आएगा और आपको ढूंढ ढूंढ के आएगा। दो चीज, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, थ्री थिंग्स। पैसा उनके पास आता है जो सही प्रोडक्ट बेचते हैं, ओके, और सही लोग से बेच, मतलब सही पर्सन को बेचते हैं, और कारण सही कारण से बेचते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। ये बाकी कंपनी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर, कोच, सब लोग एक चीज में अटक जाते हैं। किस में? क्योंकि ये तीन करते नहीं है। या तो उनके पास सही प्रोडक्ट नहीं है और जो रिजल्ट देता है वो वाला नहीं है, या तो फिर इनके पास जिसको बेचना है वो आदमी नहीं है, ठीक है। अभी मेरा प्रोडक्ट है, सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर सबको चाहिए नहीं है, तो गलत आदमी भी जाके प्रोडक्ट बेचना गलत है। टू, थ्री, कारण भी सही होना चाहिए। जैसे जो आदमी उसको करना ही नहीं है, वो बन नहीं सकता वैसा, उसको जाके आप ये कोचिंग नहीं कर सकते, राइट? जैसे पर्सनल कोचिंग मैं करता हूँ उनको ट्रेनर बनने में, या हाई टिकट, हाई, अच्छा अच्छा क्लाइंट कैसे क्लोज करना है, बड़ा टिकट क्लाइंट्स कैसे क्लोज करना है। 10 क्लाइंट, 5-5, 10,000, 20,000 करने से एक क्लाइंट आप क्लो लाख रुपए में, और उनके अच्छी तरह से रिजल्ट हो, उस तरह का आपके पास माल भी होना चाहिए। माल, जो माल से उनका लाख लाख रुपए उनको फ़ायदा हो जाए, उस तरह का आप अपने आप को काबिल बनाओ, फिर उस तरह का ट्रेनिंग दो, लाख रुपए बनाओ, पूरा महीना में 2 या 3 क्लाइंट से काम चलाओ, वो भी खुश, आप भी खुश, फुल टाइम फ्री रिजल्ट, ऐसा। ये नहीं करते हैं ये लोग, पूरा ऐड देके सबको भगाते, आ जाओ, फिर सब ट्रेनिंग, फिर उनको भी कुछ नहीं मिला, ट्रेनर को भी कुछ नहीं मिला, फिर दौड़ो और डंडो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सही चीज़ सही लोग को सही कारण की वजह से बेचते हैं, सक्सेस होंगे। मोस्ट ऑफ द लोग मरते हैं, किसमें मांगते हैं मालूम है? उनका जो थॉट प्रोसेस है उसमें अटक जाते हैं। जैसे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, और ऊपर से उनके पास अच्छा मार्केटिंग नहीं है, सेल्स करना नहीं आता है। मैंने जितना लोगों बिजनेस अटक गया है ना, मेरा फेसबुक में ऐड चलता है, मुझे कॉल करते हैं, सर मेरा बिजनेस ये सक्सेसफुल नहीं है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, कई साल हो गया मेरा बिजनेस ऐसे चलता है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, वेरी गुड। मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि आपने कभी ट्रेनिंग लिया? नहीं। आपने किधर से सीखा? नहीं। गाड़ी चलाने के लिए आप जाके सीखते हो, राइट? लेकिन कंपनी चलाने के लिए अपना पूरा जिंदगी उसके ऊपर है ना, कितना लोग का जिंदगी है, उनका पगार, उनकी सब कुछ है, वो उसमें किसी का ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपने सोचा, आपने कर लिया, आपने बिजनेस चालू किया, फिर कैसे चलेगा भाई? अरे चल रहा तो ठीक है, लकी है, यू आर, बट अभी वही सिखाने के लिए लोग हैं, आपको उनसे सीखना पड़ेगा क्या होता है, राइट? हाँ, जो आप सिखाने वाले हैं उनको भी आना चाहिए, या इनके पास वो हिस्ट्री होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। आप अभी देखेंगे, अभी कई लोग सिर्फ कोड डाल के सिखाने चालू हो जाते हैं, लेकिन सच में वो करते क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके बैकग्राउंड क्या है, उनकी अचीवमेंट क्या है, उनकी बैंक बैलेंस क्या है, पैसा कितना आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? किससे सीखना है, जिसके पास ऑलरेडी वो चीज़ है, राइट? दैट्स वन थिंग। सो बहुत सारे बिजनेस अटक जाता है क्योंकि उनको मार्केटिंग करना नहीं आता है, या तो सेल्स करना नहीं आता है, उनको ये भी बेसिक चीज़ पता नहीं है कि ये सब करने से पहले कहीं से सीखना है, राइट? उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं कर लूँगा, फिर जाके कई साल हो जाता है, अटक जाते हैं, फिर आते हैं। हाँ, उसके बाद भी सीखने के लिए पैसा नहीं देना है, वो भी फ्री में करना है और थोड़ा रुपये में करना है, लेकिन ज़्यादा पैसा चाहिए। भगवान जाने ये फॉर्मूला कैसे उनके ऊपर काम करेगा, आई डोंट नो, आई हैव टू सेट स्टोरी। आपको रिच होने के लिए एक फील होना चाहिए कि मैं रिच हूँ। कब? पैसा आने के बाद नहीं, पैसा आने से पहले आपको एक फील होना चाहिए मैं बहुत रिच हूँ, ओके? उसके लिए आपको उस तरह का बिहेवियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग हैं ना, मेरा लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, राइट? लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं सेकंड क्लास में, फिर उसके बाद होगा चलते चलते उनको चाहिए फर्स्ट क्लास, ओके? आपने कभी देखा रहेगा, एक बार कोई फर्स्ट क्लास में जाते हैं सेकंड क्लास से, उसके बाद कोई वापस सेकंड क्लास में नहीं आएगा।
ये जितना लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनको मालूम है, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, लोकल ट्रेन में जो सेकंड क्लास में जाते थे, एक बार फर्स्ट क्लास में आए उसके बाद वो कभी सेकंड क्लास में जाएगा नहीं, क्योंकि वो मालूम पड़ेगा। लेकिन उसमें भी कुछ गरीब लोग फर्स्ट क्लास में बोलते हैं, अरे फर्स्ट क्लास में भी कितना भीड़ है यार। अरे बाबा, फर्स्ट क्लास में भीड़ की बात नहीं होती है, फर्स्ट क्लास में क्वालिटी ऑफ पीपल की बात होती है, मैनर्स की बात होती है, इस तरह का स्टैंडर्ड लोग उसके उस तरह। यहाँ पे बोलेंगे बैग रख देंगे तो बोलेंगे थोड़ा बैग रख देंगे, ओके या ओ थैंक यू थैंक यू, ओ थैंक यू ऐसा बोलेगा। फर्स्ट क्लास में क्या दोस्त कैसा है ऐसा है क्या इधर है नो डायलॉग होता राइट, और आपको एक सफोकेशन होगा। सॉरी मेरी बाकी लोग बुरा लगा था, सॉरी आई एम जस्ट गिविंग यू एक्सपीरियंस राइट। मैं चाहता हूँ कि आप हर कोई जिंदगी में तरक्की करे। मैं कभी ट्रेन में एक बार को देखा, बोलता है चलते तो स्लीपर क्लास है उसमें, सॉरी लगेज में चलते हैं, मैं भी कभी चलता हूँ उसमें। ट्रेन नहीं मिला, गर्दी कूदा, उतरने का इजी होगा, फर्स्ट क्लास में अटक जाएंगे हम लोग तो उसमें उतरने का। सेकंड थोड़ा हमेशा आपको, मेरा एक दूसरा एक पॉलिसी है, आपकी कई तरह का फ्रेंड्स होना चाहिए, गरीब फ्रेंड होना चाहिए, आपके लेवल के फ्रेंड्स होने चाहिए, आपसे रिच फ्रेंड होना चाहिए, ये अलग वीडियो है, शायद अब मेरा यूट्यूब वगैरह में है, आप देख लीजिए उसको। इसके लिए आपको हमेशा पुअर फ्रेंड्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, बेवकूफ़ लोग के साथ भी आपको दोस्ती होना चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि लोग होते क्या है राइट। ओके सो मैं हमेशा उसके लिए भी लगेज में कभी जाता हूँ, बहुत जमाना हो गया, उस समय की पहली बात है, जमाना में कुछ साल की बात है, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं मैं 25 साल से गाड़ी में आता हूँ, मालूम है क्या, ऐसा कॉलर उठा दें 25 साल से मैं आता हूँ, मतलब क्या है 25 साल से कोई तरक्की नहीं हुआ, 25 साल से यही लगेज डब्बा में आ रहा है ये राइट। अरे 25 साल में तो यार फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए, फिर उसके बाद कार में आना चाहिए, फिर मैंने लोकल ट्रेन कभी दिखता नहीं, ऐसा होना चाहिए ना। ये लोग इसमें गर्व करते हैं, इनको पता ही नहीं है कि किसमें गर्व करना है, किसमें बड़ा सोचना है, इनको आइडिया नहीं है। एनीवे मैं उनको छोड़ देता हूँ, सिंपल। सो डिफरेंस है, उसके बाद कोई लोकल सेकंड क्लास से उसके बाद फर्स्ट क्लास में आता है, उसके बाद अभी एसी वीसी आ गया मुझे पता नहीं वो सब, ठीक है। और थर्ड ये आता है कि प्लेटफॉर्म, नो वे यार, लोकल ट्रेन में तो चढ़ना नहीं है हमको, वो एक दूसरा कैटेगरी में आता है। ग्रोथ उसके बाद हो गया, भैया बॉम्बे में कहीं भी अपॉइंटमेंट बोलो, कार में आता हूँ मैं। हाँ, वो जो अपॉइंटमेंट करूँगा उसका उतना वर्थ होना चाहिए, 5,000-10,000 डील के लिए मत बुलाओ, 1,00,000-1.5 लाख का डील है, कन्फर्म है, कुछ होगा उसके बाद आना है राइट। नहीं तो इतना टाइम वेस्ट, पेट्रोल वेस्ट, मनी वेस्ट, ये सब वेस्ट नहीं होना चाहिए। और उसको पता करना चाहिए कि इस तरह का क्वालिटी का आदमी है क्या, क्योंकि टाइम पेट्रोल अलग बात है, लेकिन आपका आपका जो टाइम जाएगा वो पूरा दिन, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपकी जो लेवल्स है ना, ऐसा इंक्रीज होना चाहिए, एक्ट एज इफ यू आर रिच। ओके, कार में जाना पसंद करो राइट, स्लीपर क्लास में तो फर्स्ट क्लास जाना पसंद करो, फिर मुझे लोकल ट्रेन पकड़ना ही नहीं है, मैं कार में जाऊंगा, कार में आऊंगा, ठीक है। हाँ भैया एक जगह पे है, आप कार में जाने से अच्छा ट्रेन में अच्छा है, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ राइट, ये सब चीज़ें। ओके ए हो गया, उसके बाद गांव जाने के टाइम स्लीपर क्लास में, जो जो ऑर्डिनरी में क्लास में जाते हैं उसके बाद स्लीपर में जाते हैं। स्लीपर में जाएगा तो आपको मालूम होगा खुला है, पूरा हवा आएगा, हमेशा एक एक सेशन में वो झाड़ू साफ करने वाले आएंगे, अभी पता नहीं ये सब आते कि नहीं आते, क्योंकि अभी तो रेलवे एम्प्लॉयज ही कुछ करते हैं, है ना, वो शेड से पूरा कचरा साफ करेगा, उधर का कचरा इधर लेके आएगा साफ करेगा, 5-10 रुपये लेके आएगा, और दुनिया भर का बेचने वाले आएंगे राइट, चना बेचने वाले, फूल, नारियल। मैं कन्याकुमारी जाता हूँ तो ट्रेन में मेरा एक्सपीरियंस होता है राइट, स्लीपर में जाता तभी। ओके एक हो गया, सेकंड उसके बाद होता है थर्ड एसी। ओके ओ वेरी गुड, फिर थर्ड एसी में आपको जितना पैसा है उससे थोड़ा एक्टिंग करो कि मेरे पास अच्छा है राइट, स्लीपर क्लास में से 2-3 गुना थर्ड एसी में होगा, पूरा पैक बंद मस्त, आपको चादर भी देंगे, उड़ने के लिए भी देंगे, एसी चालू रहेगा, नो आलतू फालतू लोग आएंगे नहीं, और आवाज़ कुछ नहीं आएगा, बाहर ठंडी है गर्मी है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप वही मस्त ऐसे रहो उस तरह का एक्ट ऐसे। उसके बाद सेकंड एसी पूरा खाली, यू नो स्पेस, कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे वो सेकंड एसी में, उसके लेवल अरे कौन मगज मारे यार ट्रेन में 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा रात भर ट्रेन में, नहीं 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 फ्लाइट पकड़ो 2 घंटे में पहुँच जाओ। उसके बाद क्या,
बहुत सारे लोग का डीपी आपने देखा रहेगा, डीपी रखते हैं लोग, समझ आने का, जिसका भी फेसबुक में डीपी है ना फ्लैट के आगे, वो जिंदगी में पहली बार गया है और तभी गया है, ठीक है। तो फ्लैट में, मैं भी फ्लैट में गया, मतलब वो रेगुलर आप जाने वाले कभी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन फ्लैट में निकल के फोटो नहीं रखता है डीपी में, राइट। लेकिन समझ आने का, ये पहली बार फोटो में गया है, जिसका भी डीपी होगा ना फेसबुक में, समझ लो पहली बार फ्लैट में गया, एक ही बार गया जिंदगी में, वो फोटो उसने रख दिया, राइट, वन है, हो गया। अगर उसके बाद उसमें भी आप इंडिगो जेट ये स्पाइस इसमें आप जाते रहेंगे नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास, तो बाजू वाला थोड़ा मोटा हो गया, उसका पेड़ उसका हाथ भी सपने पर है, बोला यार थोड़ा सा वेट तो कम करो यार, इतना वेट इतना, उसको बोलते हैं लोग, ठीक है एडजस्ट करके ऐसे बैठो। फिर उसने एकदम बैठ, जाने का नाम फ्लाइट, लेकिन ऐसा बेकार की तरह बैठ गया जाएगा ऐसा, यू नो, वो एक अलग हो गया। उससे थोड़ा डेवलप होने का क्या है, बिजनेस क्लास जो यहाँ पे तीन तीन छीट होता है, वहाँ पे दो सीट होता है, राइट, इतना कंफर्टेबल है, इसका इसका हाथ उसके हाथ में जाएगा नहीं, और ये इकोनॉमिक क्लास में एक ही होगा, उसमें तुम रख लेते थोड़े टाइम, फिर मैं थोड़ा टाइम रख लेता हूँ, ऐसा सब होगा, राइट, ये डिफरेंस है, ओके, ये लेवल हो गया। उसके बाद अरे ये फालतू लोगों के साथ फ्लाइट में जाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे खुद का प्राइवेट जेट चाहिए, वो लेवल पे सोचो नेक्स्ट लेवल क्या है। हाँ, सीधा डायरेक्ट एंट्री, इधर चेकिंग वो चेकिंग ऐसा कुछ नहीं, सीधे जाके भैया फ्लाइट निकालो, ऐसा भैया नहीं बोलते उधर पायलट भी अलग बोलते, कुछ भी जाएगा तो उसका रेट पता करो क्या है, यहाँ से चेन्नई जाने का मैंने पता किया, चेन्नई जाने का 12 लाख रुपये बस, एक बार फ्लाइट में जाने का 12 लाख, आने के 12 लाख बस, 24 लाख कमाओ उतना पैसा, राइट। सो हैव दैट रिचनेस कि बड़ा आदमी बनने के लिए उस तरह का सोचो और एक्टिंग करो कि आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन है जो पैसा है उसको ख़त्म मत करना, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क एंड उस तरह का, जो अगर खुद का जेट का फ्लाइट, खुद का फ्लाइट से जाना है, मतलब आप अकेले हो फ्लाइट में या फैमिली के साथ हैं, हम लोग फ्रेंड्स से जाते हैं ऐसा फ्लाइट के लिए पता करो, तो कोई सोचते बोलेंगे अरे बाप रे नहीं नहीं यार आई कॉन्ट अफोर्ड इट, मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट, एक हो गया। और दूसरा है बोलेंगे देखते हैं कैसे हम लोग इसको खर्चा कर कैसे ये ले सकते हैं। तीसरा वाला होंगे वो बोलेंगे कि यार अपना जो भी प्लान है, मैं आई एम किसी कंपनी को कोचिंग करता हूँ, उनको बोलता है सर मुझे डस्टर लेना है ये टाइम पे, ठीक है, मैं जिसको बोल रहा हूँ उनको मालूम होगा उनका टारगेट है डस्टर लेने का, ठीक है, सिंस आई एम अ कोच टू हिम, मैं बोला ठीक है तो डस्टर लेने के लिए इतना रेट है, इतना ईएमआई, एंड आई सल्यूट हिम, ही नोज एवरीथिंग, डाउन पेमेंट क्या है, ईएमआई क्या है, सर्विस क्या है, ए टू जेड इसको पता है, राइट, ओके, नाउ अचीव करने के लिए क्या है, इतना टारगेट, इतना हमें लीड्स मिलना चाहिए, लीड से इतना मीटिंग होना चाहिए, इतना क्लोजिंग होना चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए, सिंपल, ये आया ये, ठीक है, डस्टर के सामने ये रख दिया।